कीचड़ का था, झाड़ू लगा, पोछा लगा, पानी चल गया, नैया चला के बनाओ। चार बजे से नौ से पूरा चार बजे तक ड्यूटी लेते हैं। मास्टर आने से पहले आना है, मास्टर जाने के बाद जाना है। सबसे बड़ा ड्यूटी रसोईया का, उसके बाद में भी यहाँ के वेतन बहुत कम है, इतना कम है कि जब ना भाड़ा का दूर से आते हैं 15 से 20 रुपये भाड़ा है, मुझके से कुछ भी पेट नहीं भरता। अपना पेट भरता है क्या पेट भरे, मेरे आया जाते हैं 5,000 देते किराया, रेंट पे रहते हैं और देता है 1500-1600 देता है, वो मैं भी 2 महीना काट लेता है। आप भी बताइए कि इसमें से पेट इससे आज हम लोग का सरकारी घोषित परमानेंट कर दे और कम से कम 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, सारा रसोईया के जब भी मन हुआ अगर झाड़ू नहीं लगाए तो गेट से बाहर जाओ, कहे यार धर्मशाला है, बोलता है हेड मास्टर। मांग कर रहे कि मेरा पैसा वेतन बढ़ाया जाए, सरकारी बोला जाए, नगर मैंने सरकारी घोषित को बूढ़ी हो गए, इससे पैसा से खर्चे खर्चे बूढ़ी हो गए, अभी तक पैसा मेरा वेतन बढ़ा नहीं है। तबड़ी लड़ाई लड़े थे 1600 रुपया बढ़ तो इसका से क्या होगा। महिला के उत्थान की बात हमारी नीतीश सरकार करती है, हम कहने आए हैं किस बात की सशक्तिकरण, अगर महिलाओं को रोजगार नहीं मिले, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिले और काम करने वाली महिलाओं का उनके पसीने का उनके मेहनत का दाम न मिले तो किस बात का सशक्तिकरण। और इसलिए बिना मेहनत और बिना उचित मजदूरी के रसोईया बहनों की मांगों को इस सरकार को हमदर्दी के साथ सहानुभूति पूर्वक रसोईया बहनों की मांगों को मानना चाहिए। भारत प्रणाले रसोईया बहनों की आवाज अगर सड़क है, आपकी आवाज के साथ भाजपा माले की आवाज जुड़ी हुई है, आपसे हम अलग नहीं है, आपकी आवाज के साथ है, इतनी ही बात को कहते हुए